मुझे पता है 2002 से आपने टेक ओवर किया ये सिस्टम, आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी है। जी जी डॉक्टर साहब, आप तो हर फन मौला हो गए। जी शुरू से ये सारे फैमिली बिजनेस था ये हमारा कंस्ट्रक्शन का, तो इसमें हमें कोई टाइम नहीं। घर पे आप किस टाइम आते हैं? अपने घर पे हम लोग बस ऐसा वीकेंड्स में आते हैं। इतने बिजी माशाल्लाह से आप हैं, माशाल्लाह सिर्फ रुकने आते होंगे 2 घंटे के लिए, जैसे गेस्ट हाउस में है। बस घर में ये होता है कि बस पता नहीं चलता, जब बैठे बैठे क्रैश हो जाते हैं कोई ऑफिस में, बहुत सारी बातें हमने करनी होती हैं तो वो सोचते हैं कि किस दिन करेंगे, किस दिन ऑफिस में बैठ के आराम से ये डिस्कशन करेंगे, इस पे बात पे बात होगी। फैमिली टाइम जो होता है वो बहुत कर दिया गया। जी जी क्या करिए? मैसेज कर दिया, मैसेज करिए। ये मैसेज में नहीं समझ में आती, ख्वातीन को समझाना पड़ता है बिठा के जो भी। ये देखिए आदमी जितना भी कामयाब और मसरूफ वो बेसिक्स वही रहते हैं। जी नहीं, लेकिन खवातीन ना इस बात पे सबसे प्यारी उनकी वाइफ है, सबसे ज्यादा खवातीन इस बात पे तपती हैं कि अगर आप उन्होंने कोई मैसेज किया और आप सिर्फ के लिख दें। आपको पता है ओके का मतलब होता है सही है, के का मतलब है कि नाराजगी वाला ओके। अच्छा, और अगर कुछ भी रिप्लाई नहीं करते के लिख देते हैं। बहुत से लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, फिर अब आप नहीं करती है, दूल्हा भाई नहीं करते, वही नहीं करते ना, आपको रिप्लाई नहीं करते, नहीं कर रहे, दो दिन से नहीं कर रहे, तो ये उनका रिप्लाई चेक करो, ब्लेम नहीं कर सकते उनका रिप्लाई चेक करो कहाँ जा रहे हैं। उनके रिप्लाई किसी और पे अप्लाई हो रहे हैं। आगे से फिर सप्लाई हो रहे हैं, फिर मैंने आउटगोइंग बन रखी है, सिर्फ इनकमिंग है उनके पास। अच्छा अच्छा, इनकमिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और फैमिली फिजिशियन का भी आप काम करिए। कहा जाता है कि जो फैमिली फिजिशियन होते हैं वो साइकेट्रिस्ट का रोल बहुत अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इलाज के लिए जो रोज़ रोज़ आ जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने, उन्हें इल्हाम हो रहा होता है कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शायद शुगर बढ़ गई है, इस तरह के पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर कर दूँ, बीइंग फैमिली फिजिशियन, हम अगर आप कहें तो कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, लेकिन हम मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, क्योंकि 80% पेशेंट हमारा है। बिल्कुल, सिर्फ 20 या 10% रेफरल की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप पेशेंट को देखते हो तो हमारी होलिस्टिक अप्रोच होती है, पूरी फैमिली हमारी होती है। पेशेंट का लाइफ पे उस बीमारी का इम्पैक्ट, डिजीज़ और इलनेस में फ़र्क है। डिजीज़ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन इलनेस वो है जो उसकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। जो स्पेशली जो ये क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, जैसे आपकी जो बहुत लंबी चलने वाली बीमारियाँ, इसके जो है साइकोसोशल इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, उसकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, उसकी फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ बहुत इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो हमें ये सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। और हमारी जो है वो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, हम पेशेंट के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। और पेशेंट के बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बरकत भाई उसमें भाई ने बिल्कुल सही कहा, ये मजाक नहीं है, इट इज़ एक्चुअली ट्रू, जो कि हमारी सोसाइटी का एनिग्मा है कि सब लोग इस तरह की बातें करते हैं, डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर का बीइंग ह्यूमन अपना इफेक्ट है अपनी जगह, वो रश्ड है, उसके पास बिजी क्लिनिक्स चल रहे हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो पार्ट काउंसलिंग पे प्ले करती है वो रोल कोई और नहीं प्ले कर सकता, और डॉक्टर का सबसे बड़ा रोल काउंसलिंग में है।